अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकत से। ओह माय गॉश, काम हो रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही हैं। आई हैव टू शट द डोर, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे और कौरमा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले कि मैं व्लॉग शुरू करूँ, मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। वो बात ये है कि उन सब लोगों का बेइंतहा शुक्रिया जिन्होंने मेरे व्लॉग्स को लाइक किया, शेयर किया और कमेंट करते हैं। मैं उन सब की बेहद शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद आप सब की बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे हौसले को हौसला देते रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो बिस्मिल्लाह करते हैं व्लॉग की तरफ। तो जी, आलू कम पड़ गए थे तो मैं दोबारा से थोड़े से आलू काट के और इनको बॉईल कर रही हूँ बाहर वाले चूल्हे पे। ये देखिए, मैं डाल ले जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसमें रख दिया बॉईल करने और आँच बिल्कुल ठीक है। और देखिए, लहसुन डाल के इनको मैंने फ्राई कर लिया और मैंने टमाटर, ब्राउन प्याज, हरी मिर्च और सूखा धनिया इसके अंदर डाल के इसको मिक्स कर लिए। ग्राइंड कर लिए, तो ये मैंने अब इसके अंदर मिक्स कर दिया। इसकी भुनाई करूँगी अंतिम लास्ट तक, इसके कढ़ी जो है ये अच्छी तरह भून जाए, क्योंकि इसकी भुनाई पे ही सारा दारोमदार है। तो देखते हैं जी। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने रायता बनाया है इसके साथ। ये लौकी को बॉईल करके दही के अंदर डाला है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल लिया। और ये है जी टोमेटो सॉस, ये मैंने बनाई टमाटर की चटनी है। इसमें हरी मिर्च और नमक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। तो पराठा बनाने के लिए पहले मैंने छोटा सा एक पेड़ा लिया और उसकी ये छोटी सी रोटी बनाई। उसके बाद अब ये है जी दूसरा पेड़ा, स्टोव को ऑन कर लूँगी और ये पराठा बनाऊंगी। ये देखिए, और दूसरी बात ये कि ये जो है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने धनिया, हरी मिर्च और प्याज को और अदरक को इकट्ठे से मिक्स कर लिया था, चॉप कर लिया था। ठीक है, और ये हमारे मैश्ड पोटैटो हैं जिनके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, दैट्स इट, और मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। हाँ, थोड़ी सी राई डाली है जी। तो बस ये है इसका तरीका सार। जैसे छोटे छोटे हमें ये लोइयां लेनी है और दो लोइयां लेके एक नीचे एक ऊपर और बीच में हम आलू और ये जो है मिक्स करूंगी। इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ कि मैंने अलग प्लेट एक ली हुई है और इसके अंदर ये है। फिर मैं ये देखिए आलू और ये जो मसाला है हरा मसाला, इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद उसको पराठे की शक्ल देने की कोशिश करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये तैयार हो गया है पराठा। अब इसको हम प्लेट में डाल देंगे। प्लेट में डाल के इसको चार टुकड़ों में तकसीम कर देंगे और ये आलू और वो जो हरा मसाला है, अब दोबारा से हम कर रहे हैं नए पराठे के लिए। तो ये देख लें, ये तरीका है इसका।
तो आई होप आप इंजॉय भी करेंगे, थोड़ा सा और ले लूं। तो ये ऐसे, अब इसके ऊपर इसको कवर लगा दूंगी। उसको कवर लगा के मैं ये इस तरीके से इसके ऊपर डाल दूंगी। तो भी बस ये देखे, ये हो चुका है पराठा। अब मैं दूसरा पराठा तैयार करके उसको भी काट लूंगी। और ये देखिए, इसको काट के छुरी की मदद से ऐसे रखूंगी, यूं, इस तरह, इस तरह। तो भी बस ये देखे, ये हो चुका है पराठा। अब मैं दूसरा पराठा तैयार करके उसको भी काट लूंगी। और ये देखिए, इसको काट के छुरी की मदद से